एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज शोधा पांचा, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के लिए प्रीवियस ईयर का अपना क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको ये समझ में आए। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 9th-10th सोशल स्टडीज का है, ताकि आपको ये समझ में आए कि पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या है। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसमें सोशल साइंस के आपके 40 जो क्वेश्चन है वो एक पार्ट में दिए गए हैं। सपोज आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पर हर एक पार्ट में आपको 40-40 क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन आपको अनिवार्य रूप से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको टोटल 80 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और वो 80 क्वेश्चंस आपके इनमें से कोई भी दो पार्ट हो सकते हैं। तो आपको बता दिया गया एक पार्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में से होना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चंस देख लेते ताकि आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आए किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और इस एक ही वीडियो में आपको हिस्ट्री और सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1826 में सबसे पहले हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो हड़प्पा से क्वेश्चन आया है, इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका चार्ल्स मेसन ने। किसने? चार्ल्स मेसन ने। दूसरा है आपका, यहाँ पर एक चीज और है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस पेपर में। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का जो साक्ष्य है वो मिलता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, कालीबंगन, जो कि है कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सा मौर्य शासक है जिसको सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि अपने शासन काल के कौन से वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। तो 4 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष में। ठीक है, 10वें वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, भाबरू। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख भी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पर मौर्य काल में वार्ता जो शब्द है उसका क्या अर्थ था। मौर्य काल में वार्ता का क्या अर्थ था, तो इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में एक से अधिक। ठीक है, 6 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे कि मौर्य काल में रूप जीवा क्या था। मौर्य काल में रूप जीवा क्या था, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका हो जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। व्यापार, वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, दास प्रथा, इनमें से कोई भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसलिए ई जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन में है आपका कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 प्रकार के दासों का उन्होंने उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मौर्य काल से ही है, मौर्य शासन से ही है। तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भू राजस्व से, यानी रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो देखते जाइए, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं जो शताब्दी है इसको कहा जाता है पुनर्जागरण का काल। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम आपका टॉपिक है, पुनर्जागरण जो काल है इसका माइकल एंजेलो कौन था। इस काल का माइकल एंजेलो कौन था, तो इसका आंसर आपका जाएगा 11 का जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। क्या था? एक से अधिक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 हर्ष के शासनकाल से संबंधित है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, कुछ पोस्ट याद रखने पड़ेंगे प्रशासनिक, कि किस जो शब्द का प्रयोग है वो किस चीज के लिए किया गया है। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था, तो इसका आंसर जाएगा बी, भंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए 13th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भास्कर वर्मन जो है वो उसने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस बेग को। किसको? हंस बेग को। क्वेश्चन नंबर 14 है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चार्ट एवं भाट कहलाता था। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। यानी चोल शासक के बारे में क्वेश्चन है कि वो कौन सा चोल शासक है जिसने सबसे पहले पूरे के पूरे द्रविड़ प्रदेश को
पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस चोल शासक ने सिंगल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसका आंसर बताइए क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक को पराजित उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्लाइंग शटल जो है उसका आविष्कार किसने किया था? 10th की बुक से आपका क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर जाएगा 17 का जाएगा जॉन के ने, तो जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। स्पिनिंग जेनी वगैरह ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी? तो इसका आंसर जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं हम। द वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे एग्जाम से पूछी भी जाती है। द वेल्थ ऑफ नेशंस है किसकी रचना है? तो इसका आंसर है एडम स्मिथ द्वारा लिखित ये एक बुक है, ठीक है, किसके द्वारा? एडम स्मिथ द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, टाइड जो है वो क्या था? टाइड जो है वो क्या था? तो इसका आंसर आपका जाएगा 20 का सी, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि किन लोगों को देना होता था? आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के जो लोग थे आपने पढ़े होंगे, तो उसमें थर्ड स्टेट के लोगों को देना होता था। फिर है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकंड डिस्कोर्स, ये जो बुक है ये किसने लिखा था, इसको किसने लिखा था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्सिका, ठीक है, कॉर्सिका। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉ जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ठीक है, दास प्रथा जो थी आपको पता ही अच्छे से, तो इल्तुतमिश जो है उसको खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो कौन से मूल्य पर उसने उसको खरीदा था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100,000 जीतल में उसने खरीदा था। कितना? 100,000 जीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? इल्तुतमिश की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी, 1229, यानी 1229 में, कब? 1229 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सर्जित किया गया था? तो 26 का आंसर यहाँ पर रहने वाला बहराम शाह द्वारा, किसके द्वारा? बहराम शाह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? यानी कि जो बलबन था जिसने सिजदा और पायबॉस भी चलाया था, उसने सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन, यानी उसको लाया गया था किस काम के लिए नियुक्त किया गया था उसको? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खासदार, खासदार के लिए, ठीक है, किसके लिए? खासदार के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो 28 का आंसर यहाँ पर इल्तुतमिश, किसके द्वारा बनवा लिया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा बनवा लिया गया था अपना खुद के लिए ही मकबरा अपने ही जीवन काल में। तो अकबर की अंतिम विजय जो थी कौन सी थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़ की, ये इसकी लास्ट जो थी विजय थी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 देखते हैं, जो कि आपका प्लासी की लड़ाई से रिलेटेड है। तो प्लासी का जो युद्ध है उसके समय मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32, बक्सर की लड़ाई की बात हो रही है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेसिंटार्ट, कौन? वेसिंटार्ट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे पूछा गया है, अगेन बक्सर से रिलेटेड है ये आपका। तो बक्सर का जो युद्ध है उसके समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिस। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, एलिस। क्वेश्चन नंबर 34 है, फैजाबाद यानी अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? एक बात आपको ध्यान रखनी है, बीपीएससी में आपके जो एससीईआरटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, आए भी हैं इसमें, लेकिन एससीईआरटी को भी आपको जरूर ही देख लेना है जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है ना बिहार से रिलेटेड ही दे दिए जाते हैं, तो आपको इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर जाएगा सी, मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, ये
कहता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइस राय कौन था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ए डफरिन। कौन? डफरिन। तो आपको ये इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वाइस राय जो है उनके भी आपको नेम जो है वो पता होने चाहिए अलग अलग टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है वो कौन से वर्ष में हुआ था। इसमें विभाजन के साथ साथ कब वो वापस से एक हो गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 36 का आंसर जाएगा यहाँ पर बी 1907 में। कहाँ? कब? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 37 है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1908 में। क्वेश्चन नंबर 38 है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने यानी कितने वॉलेंटियर्स ने प्रतिभाग लिया था, यानी कितने वॉलेंटियर्स उनके साथ थे इस दांडी यात्रा में, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 थे टोटल। नमक कानून तोड़ा गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो इसका आंसर जाएगा बी सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 40 है लास्ट क्वेश्चन इस हिस्ट्री का पोर्शन का, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 तारीख को जब इसकी बैठक हुई थी उसके बाद यहाँ पर स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आ चुके थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है इस तरीके से भी। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को देख लेते हैं सारे के सारे 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। कब? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 2 है स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है वो किसने लिखी है, इसका आंसर जाएगा बी शुमाकर ने। किसने? शुमाकर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका आंसर है ए 1960 में। कब? 1960 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये आपसे पूछा गया वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। इसके अलावा टाइगर से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जो है वो कौन से पेड़ की पूजा किया करते थे, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी महुआ। ठीक है, ये महुआ के पेड़ की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो पठार से ढका हुआ है, कवर्ड है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 27%। कितना? 27% जो एरिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ज्योग्राफी का क्या कहता है, तो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर जाएगा यानी कि इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये है आपका 33%। तो राष्ट्रीय नीति में चीज मेंशन है कितने प्रतिशत होना चाहिए हमारे देश में वन क्षेत्र, तो 33%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है, तो 9 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांगर। ठीक है, बांगर और खादर आपने पढ़ाई है, तो बांगर जो है इसमें क्या होता है कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, आंसर जाएगा बी शीट कटाव। क्या कहा जाता है? शीट कटाव। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देखते हैं, लेप्चा लोकगीत देश के कौन से भाग से संबंधित है, तो इसका आंसर जाएगा आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी उत्तरी दार्जिलिंग। ठीक है, उत्तरी दार्जिलिंग से ये रिलेटेड है, तो ये लेप्चा लोकगीत देश के कौन से भाग से संबंधित है, उत्तरी दार्जिलिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, इसका आंसर आपका जाएगा सी मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा इनमें से संरक्षण रणनीति है जिसमें सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितने प्रतिशत योगदान होता है? इसका आंसर आपका जाएगा सी 22%। कितना? 22। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल जो है उसकी आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है? प्रति व्यक्ति पूछा गया है आपसे, तो इसका आंसर आपका जाएगा सी 55 लीटर। कितना? 55 लीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या धाना बनाती है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माही नदी मुहाना बनाती है। नेक्स्ट है, सॉरी इसका वन नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर जो चयन करने के लिए दिया गया आपको ये बताना है। तो 17 का आंसर यहाँ पर जाएगा ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है, इसमें 2 भी शामिल होगा, ताप्ती नदी भी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के कौन से राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? ये है आपका आंसर सी, आपके एनसीईआरटी की बुक का है ये क्वेश्चन। ठीक है, और प्रॉपर वही कॉलम में से दिया गया एक क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा कॉलम था उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। देखिए क्वेश्चन भी दे दिया गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो ये भी सेम टॉपिक सही है, इसका आंसर जाएगा आपका ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये ऊपर नीचे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम पेज पर ही आपको मिल जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में झूम खेती यानी कि स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, मैक्सिको में। ठीक है, इसके बहुत झूम खेती के अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं आगे, रक्तहीन जो क्रांति है उस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन से स्थान पर है ये? दूसरे स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 24, तो वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने। नेक्स्ट है, तो इस वजह से आपको प्रोडक्शन में कौन से जो स्टेट है या कंट्री है वो कौन सी जगह पर है, कौन से नंबर पर है किस प्रोडक्ट के उत्पादन में, ये आपको अच्छे से पता करना है। फिर है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70%। कितना? 70%। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, रत्नगिरी जिला लोह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर, ये आपसे पूछा गया है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा, कहाँ पर है ये? ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 है, अधात्विक यानी नॉन मेटालिक जो खनिज है, मिनरल्स है, इनमें से कौन सा है? इसका आंसर जाएगा आपका सी, अभ्रक। क्या है? अभ्रक। बाकी सब क्या है? मेटालिक, ये आपका नॉन मेटालिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कहता है, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपकी नवरत्न मिनी रत्न कंपनी है आपको उनको भी याद रखना है कि कितनी कंपनियां उसमें आती हैं। तो इसका आंसर आपका जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र में ये आता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए, 1854 में। कब? 1854 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, भद्रावती जो है ये लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भद्रावती लोह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत के किस पठार में लोह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार में मिनरल्स वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा है इसी एरिया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, जिसमें आपको सारी लेयर्स पता रखनी है, वायु
आपके वायुमंडल में कि किस कहाँ पर कितनी वो है, और उसके बाद लेयर्स आपको पता रखनी है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब आपको कि कितने किलोमीटर पर है ये भी, और उससे रिलेटेड जो विशेषताएं हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो समताप मंडल की ऊंचाई आपसे पूछी गई, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा आपका 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, अटल टनल की लंबाई कितनी है, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, यानी कि बंदरगाह के से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इसका आंसर आपका जाएगा मुंबई। ठीक है, 36 में आपका क्या है, मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 अपना, इसमें आपसे पूछा गया है किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 नाम दिया गया है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया ये बीचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि भारत में रेलवे का कितने जोनों में पुनर्गठन किया गया है, उसको कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कितने जोन्स में, 16 जोन्स में। कितने जोन्स में, 16 जोन्स में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का क्या नाम है, इसका आंसर आपका जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 आपका, 1855 में भारत में पहली जूट की जो मिल है वो कौन से स्थान पर स्थापित की गई थी, इसका आंसर आपका जाएगा सी, कहां पर, रिचड़ा में। ठीक है, कहां पर, रिचड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का, किस टाइप के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में देखने को मिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय जो आय है वर्तमान कीमतों पर आपसे पूछा गया है कितनी है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,72,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए कौन सी अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था, तो इसका आंसर आपका जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, NFHS-5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बहुआयामी गरीब थे, तो इसका आंसर जाएगा आपका 4 का आंसर बी, बिहार में। ठीक है, कहां पर, बिहार में। भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 2019-21 में क्या था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19.28%। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें एक से अधिक, पोषण में सुधार, स्वच्छता, खाना बनाने का ईंधन, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका टेरिटरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र है। देखिए ये भी बिहार से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है बिहार का, 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था, इसका आंसर आपका जाएगा बी, 44.2%। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम यहाँ पर बिहार से रिलेटेड पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है, तो इसका आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं, यानी क्या है, इसका आंसर जाएगा ए, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में कितनी रही, तो इसका आंसर आपका जाएगा 11 का, इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं ठीक से, बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में कितनी थी, तो 10.98%। कोई अनुमानित जनसंख्या क्या थी, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12.49 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के द्वारा, यानी अर्थव्यवस्था में रोजगार से अधिक के अधिक से अधिक अवसर और बेहतर प्रौद्योगिकी की नियोजित को नियोजित करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में
क्या थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा ई, 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है किस चीज का? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है, कौन सी इनमें से सन्निकट मुद्रा नहीं है? ठीक है, which one of the following is not near money? ठीक है, इनमें से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो इसका आंसर आप बताइए क्या जाएगा? तो इसका आंसर आपका जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, बैंकों की मांग जमा, ये आपकी सन्निकट मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का क्या कार्य है? तो इसका आंसर जाएगा बी, गौण कार्य है। ठीक है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, एक आपको कोटेशन दिया गया है, फिर मुद्रा का यह कार्य है, कैसा कार्य है? गौण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो आपको बताना है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो स्टेटमेंट है इसमें सही है। ठीक है, पहला है मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है, मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की एक कड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। ग्लोबलाइजेशन से अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम क्या था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, पूंजी का, वस्तु और सेवाओं का और वित्त का प्रवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना, यानी उनका प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर जाएगा बी, मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण, जब स्किल्स वगैरह को डेवलप किया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा गया है, इसका आंसर आपका जाएगा 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 लेवल पर, यानी 3 स्तरों पर इसकी प्रणाली की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सहकारिता से संबंधित है, इनमें से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोट देने का अधिकार। क्या है? वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? इसका आंसर जाएगा ए, प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? स्ट्रेट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। फिर सहकारी 28, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। ठीक है, 28 का आंसर जाएगा यहाँ पर नाबार्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, मानवाधिकार से ही रिलेटेड है, तो भारत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 दिसंबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग वियना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको स्टेटमेंट दिए गए सही नहीं है वाला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें आपकी बी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई, ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई, कौन सी सेवाओं में? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, संचार सेवाओं में तेज समृद्धि देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि जो हो रही है उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, यानी विच्छिन्नता, मांग पक्षी और समृद्धि को उत्प्रेरण, या नीति उदारीकरण।
सकल घरेलू उत्पादन में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो यहाँ पर आंसर जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान था। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया किया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा सी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए, बजट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बजट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कौन सा स्थान रहा? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, 7th नंबर रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में अमेलित को बताइए यानी जो मेल नहीं खाता है उसको बताइए, इनमें से कौन सा है? तो 38 का आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये क्या है, RBI है, बैंकों का बैंक, तो ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं? इसका आंसर आपका जाएगा मांग जमाओं पर। किस पर? मांग जमाओं पर। लास्ट क्वेश्चन है इस पोर्शन का, रिजर्व बैंक यानी RBI से भी काफी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्यों? क्यों होती है? क्योंकि साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जो कि है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, देख लीजिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो पॉलिटिकल साइंस आपका जो पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपसे कि 1980 में किस देश में जो श्वेत अल्पसंख्यक थे उनके शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा जिम्बाब्वे ने। किसने? जिम्बाब्वे ने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क इनमें से नहीं है? इसका आंसर जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं। आपसे पूछा गया प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या है? ई, इनमें से कोई भी नहीं है, जो भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 है, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी को जो राइट टू वोट है सभी को मिल जाता है जब कंट्री में बिना किसी भेदभाव के, तो उसका अनुसरण नहीं करता है कौन सी कंट्री? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक जो कंट्री है वो वहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आज के टाइम में भी नहीं है प्रोवाइड लोगों को जैसे होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कि सभी के लिए राइट टू वोट। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, जो कि मैंने अभी आपसे बताया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन आनंद सिन्हा ने, और फिर ये अस्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक में थे सचिन आनंद सिन्हा। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि किस चीज की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है? हमारे संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के विरंगों में शक्तियों की जो साझेदारी है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथककरण। क्या? शक्तियों का पृथककरण। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, एक सांविधिक निकाय है या फिर इसकी स्थापना के बारे में है, क्या ये कथन सही है? तो इसका आंसर जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक जो है इसमें सही आंसर्स हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो एक का आंसर जाएगा यहाँ पर डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा इसको बताया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था यानी उसको फ्रीडम कब मिली थी? इसका आंसर जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं, 1949, 56, 46 नहीं, शायद इसका आंसर 48 था। ठीक है, 1948 में। नेक्स्ट चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपसे पूछा गया ग्राम सभा से रिलेटेड, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल जो है इसकी न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है कितना होता है? तो इसका कार्यकाल नहीं होता कुछ, क्योंकि एक स्थायी सदन होता है, पर आपको पता है कि इसमें जो है मेंबर्स जो है चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? इसका आंसर 106वां। कौन सा? 106वां। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे आपसे पूछा गया निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में संघ और राज्यों के बीच आपसे शक्तियों के विभाजन के रिलेटेड क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? इसके पीछे रीजन क्या है?
रीजन है एक से अधिक, ठीक है। अधिक शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और अवशेष शक्तियां भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जनता जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा भी 1980 में। फिर है वोट से रिलेटेड, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका आंसर जाएगा सी, जाति। 16 का आंसर क्या है यहाँ पर? सी, जाति जो है वो सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बढ़कर सामने आया है हमेशा से ही। भारतीय संसद में शामिल होते हैं कौन कौन? तो इसका आंसर जाएगा सी। अगर आपसे सदन पूछे जाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा होगा, लेकिन संसद में शामिल कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसके इसमें शामिल होते हैं। 18 है, भारत के, क्योंकि राष्ट्रपति का भी अहम रोल होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आपसे पूछा गया इसका आंसर, तो इसका आंसर जाएगा बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तभी तक उसका कार्यकाल है। 19 है, भारतीय संविधान में कौन सा वो आर्टिकल है जो व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी निर्वाचन आयोग। इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 324 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से राज्य समूहों में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राइट टू इन्फॉर्मेशन इन सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संविधान द्वारा संसद द्वारा पारित कब किया गया था? इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में इसको लाया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसे आपसे पूछा गया है कि न्यायाधीश एम एफ पुंछी आयोग जो है उसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर है आपका केंद्र राज्य संबंधों से ये रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है क्या चीज आवश्यक है एक संघीय व्यवस्था में इनमें से एक से अधिक? लिखित संविधान है, इसके अलावा संविधान की कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन? तो 25 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, इनमें ऑप्शन एक से अधिक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। आपसे पूछ रहे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? तो 29 सब्जेक्ट्स हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था में। 73rd आपका ये अमेंडमेंट था 1992 में, जो कि लागू हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आंसर जाएगा सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होता है तो उसके होने से पूर्व चुनाव होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर जाएगा ए, मध्य अवधि चुनाव। 29 क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार क्यों होती है? रीजन बताइए इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे आंसर जो जाएगा वो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि अधिक उत्तरदायी है, निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। मंडल आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, मंडल आयोग जो है उससे रिलेटेड आपको असत्य बात बतानी है क्या है जो कि सही नहीं है? इसका आंसर जाएगा ई, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारी बातें जो है वो सत्य ही है। अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा ही की गई थी, 1980 में इसको प्रस्तुत किया गया था रिपोर्ट को, और सिफारिशें जो थी 1990 में लागू हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं, भारत में मतदान की जो आयु है 21 साल है उसे कम करके 18 साल कर दिया गया कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61, यानी कि 61वां जो संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निर्वाचन आयोग भारत का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर जाएगा डी, इनमें एक से अधिक जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये एक स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय है, 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, एकदम सही आंसर है, ठीक है। 33 पर चलते हैं, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी? मौलिक रूप से मतलब है ओरिजिनली, यानी स्टार्टिंग में संविधान में जो मेंशन किया गया था, तो 7 मौलिक अधिकारों को इसे मेंशन किया गया था। आज के टाइम में 6 है, अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, लेकिन मौलिक रूप से सिर्फ 6 की जगह 7 थे स्टार्टिंग में। राजनीतिक दल का जो कार्य है क्या है? तो 34 का आंसर जाएगा डी, एक से अधिक सत्ता बनाना भी है, जनमत को और नीति विकल्प प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं आगे, तो 35 में आपसे पूछा गया है, भारत का राजधर्म क्या है? तो इसका आंसर आपका जाएगा 35 का, इनमें से कोई भी हमारा राजधर्म नहीं है, क्योंकि हम सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो हम किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो सभी धर्मों के हैं और किसी एक धर्म के हम
बड़ा ही नहीं करते हैं या फिर उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है संविधान के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो 36 का आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है हमें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समुदाय बनाने की है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा है वो कौन से जनरल इलेक्शन में दिया गया था, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 के जो आम चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे, उनमें दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर जाएगा सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था, तो आंसर जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही हैं इसमें, जो इकोनॉमिक्स में देखने को मिला आपको बिहार वाला वो थोड़ा अलग है। फिर आधुनिक समय में महिलाओं को मतदान का अधिकार कहाँ, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले दिया, तो न्यूजीलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है, और वो एक क्वेश्चन और तरीके से पूछ लिया जाता है कि 1900 से पहले वो कौन सी कंट्री थी जिसने राइट टू वोट फॉर वुमेन दिया था, तो भी आंसर आपका जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल इनमें से नहीं है, तो आंसर जाएगा सी, हरियाणा विकास पार्टी। तो ये थे आपके चारों के जो सब्जेक्ट थे उनके क्वेश्चन और उनके आंसर देखे हमने क्या सही आंसर है उनके। इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में से किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है कैसे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे फर्दर वीडियोस के लिए, अच्छी लगी तो लाइक करना ना।